एक्टर सलमान खान लॉकडाउन की शुरुआत से ही लोगों की मदद कर रहे हैं। वे इंडस्ट्री के दैनिक वेतनभोगी वर्कर्स के अलावा गरीब लोगों की भी यथासंभव सहायता कर रहे हैं। हाल ही में एक वीडियो सामने आया था जिसमें वे दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर बैलगाड़ी और ट्रकों में राशन भरवाते हुए नजर आए थे। यह वीडियो उनके पनवेल स्थित फार्म हाउस का था। अब एक बार फिर उन्होंने लोगों की मदद करने के लिए एक नया तरीका निकाला है जिसके जरिए वे जरूरतमंदों को राशन बांट रहे हैं। सलमान अपनी चैरिटी संस्था बींग ह्यूमन के जरिए लोगों की मदद करते हैं। अब लॉकडाउन में उन्होंने इसी संस्था की तर्ज पर एक नई मुहिम शुरू की है। इसके तहत बींग हैंग्री नाम के दो मिनी ट्रकों में राशन भरवा कर मुंबई में जरूरत लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सलमान खान की मैनेजर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि ये फूड ट्रक पिछले 4-5 दिनों से राशन बांटने के काम में लगे हुए हैं। अब तक मुंबई खार, सांता क्रूज, बांद्रा, मस्जिद बंदर जैसे इलाकों में राशन बांट चुके हैं। राशन के हर पैकेट में दाल, चावल, आटा, नमक जैसी खाने की बुनियादी चीजें होती हैं। और अब तक लगभग 2500 से 3000 पैकेट लोगों में बांटे जा चुके हैं। लॉकडाउन से पहले एक्टर अपनी आगामी फिल्म शूटिंग के दौरान यूनिट के लोगों के लिए खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले फूड ट्रक को राशन बांटने के ट्रकों में तब्दील कर दिया गया है। इनके जरिए अब जरूरतमंदों की मदद हो रही है और राशन सप्लाई हो रहा है। एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी ऐसी और भी कई खबरें सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग खबरों के लिए।